हिमाचल में कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर पेच फंस गया है। अब तक हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू फ्रंट रनर थे। अब मुकेश अग्निहोत्री, राजेंद्र राणा ठाकुर, आपको बता दें कि चंद्र कुमार और धनीराम सांडिल भी रेस में आ गए हैं। सीएम चेहरे पर अंतिम फैसले को लेकर शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की मीटिंग होगी। इसके लिए कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा आज शाम शिमला पहुंचे थे। आपको बता दें कि उधर विवाद की आशंका के चलते प्रियंका गांधी ने पहले ही दावेदारों की लिस्ट मांग ली थी। उन्होंने 8 पॉइंट्स में जानकारी मांगी थी, हालांकि इन पॉइंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। तो आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर अब पेच फंस गया है। अब तक हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू फ्रंट रनर थे। अब मुकेश अग्निहोत्री, राजेंद्र राणा ठाकुर, चंद्र कुमार और धनीराम सांडिल भी रेस में आ गए हैं। सीएम चेहरे पर अंतिम फैसले को लेकर शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की मीटिंग होगी। इसके लिए कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा आज शिमला पहुंचे थे। उधर विवाद की आशंका के चलते प्रियंका गांधी ने पहले ही दावेदारों की लिस्ट मांग ली थी। उन्होंने 8 पॉइंट्स में जानकारी मांगी थी, हालांकि इन 8 पॉइंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जुड़ गए हैं। टीना जी, अब सीएम के चेहरे को लेकर हिमाचल में पेच फंस गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ से जो है कांग्रेस के जो विधायक लेके करके पहुँच रहे हैं। हालांकि गुटबाजी और नारेबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जो आदर्श ज्यादा गुट है रानी प्रतिभा सिंह को, वो सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं और इसको लेके घमासान भी शुरू हो चुका है। हालांकि जो दूसरा खेमा है वो ऐसा नहीं चाहता है, तो अभी फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जब बैठक होगी, जब विधायक बैठेंगे तो अधिकतर विधायक किसके समर्थन में अपना नाम रखते हैं, किसको किसको वो सीएम पद से देखना चाहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो कार्यकर्ता है उनमें यहाँ पे जो लोग है वो रानी प्रतिभा सिंह को लेकर है और वो चाह रहे हैं कि जो हॉलीवुड है 6 बार वहाँ से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रहे हैं और 7वीं बार रानी प्रतिभा सिंह को ये मौका मिलना चाहिए। जी लेकिन टीना, जिस प्रकार से देखा जाए पहले सिर्फ 2 नाम ही सामने आ रहे थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम हो चाहे प्रतिभा सिंह का नाम हो, लेकिन अब नामों की जो नाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, नामों में इजाफा हो रहा है लगातार? देखिए बिल्कुल, मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष रहे हैं तो उनका नाम भी जाहिर तौर पर सीएम की रेस में है और सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार समिति के हेड रहे हैं और उनका मानना है कि 40 साल से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, एनएसएल से शुरुआत उन्होंने की थी, तो वो भी अपने को सीधे दावेदार मानते हैं। तीसरी तरफ रानी प्रतिभा सिंह पहले कह चुकी है कि वीरभद्र सिंह के नाम को यहाँ पे अनदेखा नहीं की जा सकता। उन्हीं के चेहरे पे यहाँ चुनाव कांग्रेस से लड़ा था और ये जो 40 सीटें जीत कर आई है कांग्रेस, उन्हीं के चेहरे पे जीती है। तो इस तरह से आप देखेंगे फिलहाल जो घमासानी वो 3 बड़े चेहरों पर है और देखने वाली बात ये होगी कि हाईकमान किसको सहमति जताता, विधायक किसको सीएम के पद पर देखना चाहते हैं, अधिकतर विधायक किसके समर्थन में बैठक में बात रखते हैं, वो देखने वाली बात यहाँ पर होगी। तो क्या टीना, माना जाए कि जिस प्रकार से राजनीति में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हमेशा कांग्रेस में रहता है, चाहे हम हिमाचल की बात करें या राजस्थान की बात करें, इससे पहले भी जब अध्यक्ष पद को लेकर था तो राजस्थान में सियासी घमासान मच गया था, तो क्या माना जाए जो स्थिति है जैसे राजस्थान में हुई थी अशोक गहलोत को लेकर, क्या वैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अभी देखने वाली बात होगी कि ये जो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है, क्योंकि कांग्रेस में ये नई बात नहीं है, 12 के चुनाव में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो उससे बड़ी अच्छी तरह से डील किया गया था जो पर्यवेक्षक यहाँ पे पहुंचे थे। हालांकि अभी देखने वाली बात ये होगी जो पर्यवेक्षक यहाँ पर आए हैं, जिनकी ड्यूटी हाईकमान ने लगाई है, वो इस सिचुएशन को किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से विधायकों को मनाते हैं, किस तरह से अन्य नेताओं को मनाते हैं। और इसके बाद देखने वाली बात यही है, क्योंकि अगर कांग्रेस यहाँ पे चुप जाती है सरकार बनाने में और किसी तरह अपने लोगों को साथ रखने में, तो भाजपा पूरी तरह स्थिति पे नजर रखे हुए है और भाजपा कभी भी ये चाहेगी नहीं कि यहाँ पे जो कांग्रेस है वो शांतिपूर्वक सरकार बना पाए। वो जो जो गुटबाजी है, जो अंतर कला है कांग्रेस की, उस पर पूरी नजर भाजपा की है। तो फिलहाल देखने वाली बात ये है कि पर्यवेक्षक की स्थिति से कैसे निकलेंगे। टीना जी, एक और जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा दोनों लोग शिमला पहुंचे थे, लेकिन जो 8 पॉइंट्स में प्रियंका गांधी ने जानकारी मांगी थी उनको भी क्लियर कट जानकारी नहीं मिल पाई थी,
तो कहीं ना कहीं चाहे प्रियंका गांधी हो या जो भी उनका केंद्र का नेतृत्व है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ये तय करने के लिए सीएम किसको बनाया जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बात है क्योंकि सीएम की जो ड्यूटी लगाई गई है हाईकमान की तरफ से लगाई गई है, और उन्हें कहा गया है कि आप ऐसा कीजिए जो नव निर्वाचित विधायक चुन कर आए हैं उनसे मिलिए, उनसे जानिए उनकी राय क्या है, उसके बाद जो यहाँ पे जो फैसला होगा, जो विधायकों का फैसला होगा उससे जो अवगत करवाया जाएगा प्रियंका गांधी को करवाया जाएगा, उसके बाद प्रियंका गांधी जो बैठक करेंगी या जो भी जिंदन इंडियन पार्टी को वो देंगी, उसके बाद आयुष्मान का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा, आयुष्मान मुहर लगाया जाएगी सीएम का जो फेस है वो कौन होगा हिमाचल में। हालांकि अभी जो फेस है वो सीएम पद पर ही पता है, कांग्रेस जो है दावा पेश कर चुकी है राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का, लेकिन उससे पहले जो नेता नेता जो चुना जाना था विधायक दल का नेता जो चुना जाना है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें चूक रही है, और जितनी ये देरी होगी वो कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं साबित हो सकती है। बिल्कुल टीना जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।